रेवाड़ी रेलवे स्टेशन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 6 और 7 नंबर प्लेटफॉर्म की कैंटीन में आग लग गई। ये आग उस समय लगी जब सिलेंडर में गैस कम आने लगी तो कर्मचारी ने सिलेंडर को उल्टा कर दिया, जिसके कारण आग लग गई और पूरी कैंटीन जलकर राख में तब्दील हो गई। गनीमत इतनी रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ। आग से करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। स्टेशन पर उस समय कोई गाड़ी नहीं थी, जिसके कारण बड़ा हादसा होते होते टल गया। रिसोर्ट सर्कल से आग लगी और फायर ब्रिगेड को सूचना दी इन्होंने और खुद भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो इनसे कंट्रोल नहीं हुई। फिर फायर ब्रिगेड, क्योंकि रास्ता न होने के कारण थोड़ा डिले हो गया, एक ट्रेन आ रही थी उस वजह से भी डिले हुआ और गाड़ी ने फायर ब्रिगेड ने आकर के आग को। कितनी गाड़ियाँ आई दमकल? हाँ जी, 2 गाड़ियाँ। गैस सिलेंडर अब तो अवेलेबल कोई है नहीं, गैस सिलेंडर होता तो एक्सप्लोड होता, एक्सप्लोड होने से बड़ी कैजुअलिटी होती है, सिलेंडर से कुछ नहीं है। क्या मुख्य कारण माना जा रहा है? मेरे हिसाब से तो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।